देखो एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। अच्छा पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं? देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। जिसने चखा उसने रखा नहीं, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा, दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में दो चार डंडे जमा दिए। अब बताओ इस पीठ का न लेना न देना। पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई, पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई, महात्मा बोले इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले थोड़ा सा आगे बढ़ो, पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ, हां हुआ तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से ही। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो।